हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर लेक्चर ऑन कंटिन्यूटी। इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी को रिवाइज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एनडीए एग्ज़ाम। ये लेक्चर एनडीए के सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पैटर्न के बेस पे बनाया गया है एंड इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर एनडीए, नाइदर फॉर सीबीएसई नॉर फॉर जेई। अब इस वाले लेक्चर में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने कंटिन्यूटी पहले एक बार पढ़ चुके हैं, मे बी 6 मंथ्स बैक, मे बी 10 मंथ्स बैक, एंड नाउ अब हम उसको एनडीए के पर्पज से आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है। कंटिन्यूटी एज द नेम सजेस्ट क्या है कि जब हमने कहीं कोई ग्राफ है फंक्शन का और हम इस पे ग्राफ के अलोंग चल रहे हैं तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है, ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर पेन रख दें और इसको स्लाइड करते चले अलोंग द ग्राफ तो इस ग्राफ पे हमारा कहीं पेन जो है रुक नहीं रहा है, उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये वाला ग्राफ लें और पेन को स्लाइड करें तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, देन आई हैव टू पिक द पेन एंड टेक इट हियर और फिर इसको ये इस तरह से स्लाइड होगा, तो ये वाला फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो गया। डिसकंटिन्यूस कहाँ हुआ? डिसकंटिन्यूस हुआ इस पॉइंट पे, जहां जहां हमें पेन उठाना पड़े वो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। ये वाला फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस है। ये फंक्शन क्यों डिसकंटिन्यूस है कि एक तो हमें पेन उठाना पड़ा और दूसरी चीज क्या है कि ये तो फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है ना। ये जो हमारा वाइट सर्किल है इसका मतलब कि ये वाला केस देखें तो वाइट सर्कल का हमारा स्मॉल वाइट सर्कल का क्या मतलब है कि ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे ब्लैक डॉट का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू ये है एट एक्स इज इक्वल टू ए और ये वाली नहीं है, क्योंकि भाई दो दो पॉइंट्स हो गए ना तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक पॉइंट पे दो वैल्यू नहीं हो सकती है हमारी फंक्शन के लिए किसी भी। तो इसलिए जो है अब हम इसको यहाँ पे वाले में तो ये डिफाइंड ही नहीं है। ये वाला फंक्शन भी चलता चला जा रहा है, यहाँ पे इसका शार्प बेंड है लेकिन यहाँ पर ये तो पॉइंट यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, अगर मैं यहाँ से चल के आ रहा हूँ यहाँ तक, तो यहाँ आने के लिए मुझे उठाना पड़ेगा यहाँ पे आके, तो ये हमारा फंक्शन भी इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। ये वाला फंक्शन का जो ग्राफ है इससे देखिए तो यहाँ तक हमारा जो चल रहा है स्मूथली चल रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये हमने वाइट डॉट लगा दिया तो इसका मतलब ये तो इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड है। तो ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा फिर मुझे राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। सिमिलरली ये वाला अगर फंक्शन देखें तो ये इससे ये ऊपर तक जाता जा रहा है एंड देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक तो मेरा पेन जाएगा भी नहीं, तो इसका मतलब ये तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइंड ही नहीं है। इसकी तो एक्स इज इक्वल टू ए पर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब अगर थोड़ा सा जैसे अब मान के चल रहे हैं कि भाई आपने पहले से ये टॉपिक्स थोड़े से पढ़े हुए हैं और लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तीनों का हल्का सा बेसिक है, तो इस ग्राफ में देखें तो इस पॉइंट पर इसकी लिमिट ये कंटिन्यूस है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लेफ्ट और राइट वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट हमारी एक्स इज इक्वल टू ए के इक्वल है। तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्स इज इक्वल टू ए पे? नहीं करती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी वैल्यू ये है और राइट हैंड साइड पर इसकी वैल्यू ये है, तो ये तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती। सिमिलरली इस केस में भी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती। इस केस में हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो लिमिट की एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशियंट। सफिशियंट कंडीशन के लिए इस पॉइंट पर भी फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए और इस पॉइंट पर जो उसकी वैल्यू है वो लिमिट के बराबर होनी चाहिए। अब इस वाले पॉइंट पे ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है? यस करती है, लेकिन ये फंक्शन की जो वैल्यू इस पॉइंट पर है वो ये है, तो इस वजह से हमें ये पेन उठाना पड़ा, यहाँ पे लेके जाना पड़ा,
फिर यहाँ पे लेके आया, तो ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पर इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट कंटिन्यूअस नहीं है। इस पॉइंट पर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इन्फिनिटी है, तो दोनों ही फाइनाइट नहीं है, तो इस पॉइंट पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कंटिन्यूअस तो होने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। अब अगर हम डिफरेंशियबिलिटी देखें तो डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब है कि कर्व में कोई किंक नहीं होना चाहिए, तो इस वाले ग्राफ में ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशियबल नहीं है इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा शार्प टर्न आ गया, तो शार्प टर्न जहां जहां होगा वहां वहां हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशियबल नहीं होगा। अब क्या हमारा ये वाला फंक्शन डिफरेंशियबल है? ये भी नहीं डिफरेंशियबल है, क्यों? क्योंकि ये इधर से ज्यादा है और ये इधर हमारा जो है, तो क्या कहते हैं, ये भी डिफरेंशियबल हमारा नहीं है क्योंकि इसमें भी शार्प टर्न आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये भी हमारा डिफरेंशियबल नहीं है क्योंकि इसका लाइफ इधर स्लोप है और इसका इधर स्लोप है, तो ये भी हमारे फंक्शंस डिफरेंशियबल नहीं है। ये हमारा फंक्शन सबसे बढ़िया है कि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूअस भी है और इसकी ये डिफरेंशियबल भी है, तो ये हमारा परफेक्ट एक तरह से फंक्शन हो गया। तो ये हमने आपको यहाँ पे लिख के बता दिए, ये आप हमारे नोट्स में देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवीजन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एनडीए में, कि अब हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। अब हमने इस अभी तक तो हमने इसका वो पढ़ा था कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, और वो समझना ही बहुत जरूरी था कि ग्राफ कभी दे दिया और पूछा कि बताइए कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हमारी नॉलेज होनी जरूरी है उस चीज के लिए। तो अब हम इसकी कंटिन्यूटी को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लेते हैं। मैथमेटिकली हम इस चीज को किस तरह से लिखते हैं? मैथमेटिकली हम कंटिन्यूटी को पहले एक पॉइंट पे डिफाइन करेंगे, फिर उसको एक इंटरवल पे डिफाइन करेंगे। इंटरवल में डिफाइन करने का क्या मतलब है कि उस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पर वो उस फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन फंक्शन की कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कंटिन्यूटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर हमारा कोई एफ इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। तो अगर ये सी जो है हमारा एक पॉइंट है डोमेन ऑफ एफ, यहाँ पे इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है कि हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को उसकी डोमेन में ही डिस्कस करते हैं। तो उस मतलब अगर हम कोई फंक्शन है उसकी हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वी शुड चेक कि हम केवल उन्हीं पॉइंट्स पे उसकी डोमेन में बात उन्हीं पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी की बात करें जो उसके डोमेन में है। तो अगर हम ये कहना है तो इसको हम बहुत सिंपली, जैसे हमने पहले भी पिछले जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे आपको पिछली स्लाइड में, तो उसमें भी हमने बताया था कि कंटिन्यूटी का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, कि उसकी फंक्शन की कंटिन्यू फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वुड बी कंटिन्यूअस इफ इट्स लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी। जब हमने लिमिट निकाली थी तो लिमिट की एग्जिस्टेंस और वैल्यू के लिए तो हमने वो वाले केस कंसीडर करे थे ना, कि जहां पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो, एंड उसमें जब हम लिमिट निकाल रहे थे तो उसमें अधिकतर केस हमारे ऐसे थे कि जो जिस पॉइंट पर हम लिमिट कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू या तो इनफाइनाइट है या इनडिटर्मिनेट है, वो वाले केस थे अधिकतर जिसमें हमने लिमिट वाले चैप्टर में किए थे। लेकिन कंटिन्यूटी में हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू सी एंड इट शुड बी इक्वल टू एफ इज एफ सी। अब हमने क्या कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करे। तो हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स, दे बोथ शुड एग्जिस्ट एंड दे शुड बी एग्जिस्ट एंड फाइनाइट बी फाइनाइट एंड बी इक्वल टू ईच अदर। अब हमने यहाँ पर एक एडिशनल कंडीशन और लगा दी कि कंटिन्यूटी के लिए ये जो है हमारा
फंक्शन की जो वैल्यू है एट सी उस पर इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इसी को लिखने का और क्या तरीका है जो हमने लिखे, इसके जो इसी चीज को क्या क्या हमने तरीके बताए थे कि इसको हम एफ सी प्लस से भी डोनेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, एफ सी माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये फाइनली है क्या, बेसिकली इट इज एफ सी प्लस एच, जो सी प्लस है और हमारा उसका मीनिंग क्या है, हमारा ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस का मीनिंग क्या है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच एंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच दे शुड बी इक्वल टू सी। सो वी हैव रिटन इट इन ऑल वेरियस फॉर्मेट्स कि आपको कोई भी कंफ्यूजन इस बारे में ना हो। तो जैसे अभी हमने क्या बताया था कि कंटिन्यूटी डिफाइन की जाती है पॉइंट के लिए, अब कंटिन्यूटी एट एन इन एन इंटरवल का क्या मतलब हुआ, इन एन इंटरवल का क्या मतलब हुआ कि उस इंटरवल में हमारी सारे पॉइंट्स पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो इंटरवल की डेफिनेशन हमारी पॉइंट की डेफिनेशन से ड्राइव होती है। सो ए रियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन। अब हमारा क्वेश्चन आ गया कि अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड है ए बी, तो वो भी क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब कि ए भी कवर्ड है हमारा और बी भी कवर्ड है, लेकिन ए से कोई हम एलिमेंट लें विच इज लेस स्लाइटली लेस देन ए, तो उस पे वो हमारे इंटरवल का पार्ट नहीं है। सिमिलरली बी का ए से थोड़ा कम लेंगे तो वो कवर्ड नहीं है, और बी से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो वो भी हमारा इस इंटरवल में कवर्ड नहीं है। तो हमने क्या बोला है कि हमारी कंटिन्यूटी को तो हम वहीं पे डिस्कस करते हैं ना जो उस फंक्शन के डोमेन में हमारी इंक्लूड है। तो अगर हमें ए बी में डिफाइन करना है तो हम बी प्लस या ए माइनस के लिए तो हम उसको चेक नहीं कर सकते। तो इस चीज का क्या मतलब हुआ, एंड पॉइंट्स में हमारे को कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करनी है। सबसे पहले तो ये हो गया कि कंटिन्यूटी एफ एट ए मींस कि ए प्लस वाली चीज जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इट शुड बी इक्वल टू एफ ए। हमारी कंडीशन एट ए पॉइंट नॉर्मली क्या होती है कि ए प्लस एफ ए प्लस शुड बी इक्वल टू एफ ए माइनस एंड बोथ शुड बी इक्वल टू एफ ए, लेकिन यहाँ पर एफ ए माइनस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, क्योंकि वो हमें कंटिन्यूटी केवल इस इंटरवल में कर रहे हैं, तो एफ ए माइनस का नहीं है। तो हमारा क्या मतलब है कि ए में हमारा एट ए हमारी लिमिट फ्रॉम राइट शुड एग्जिस्ट एंड इट शुड बी इक्वल टू एफ ए, और बी के केस में लिमिट फ्रॉम लेफ्ट शुड एग्जिस्ट एंड शुड बी इक्वल टू एफ बी। तो ये हमारा इंटरवल हो गया। अगर ये ओपन इंटरवल होता तो ए और बी हमें कंसीडर ही नहीं करने हैं, हमें एवरी पॉइंट अदर देन ए एंड बी उस पर वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो लिमिट है वो ए और बी पर रेस्पेक्टिवली मैटर नहीं करती है। नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंटिन्यूटी। ये सब चीजें जो मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपका रिवाइज करा रहा हूँ, इसके पीछे हमारा पर्पज ये है कि एनडीए में बहुत सारे केवल न्यूमेरिकल ही नहीं आते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पर ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो आप अगर कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। नाउ ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंटिन्यूटी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि कंटिन्यूटी का एट एग्जिस्ट इक्वल टू ए, एग्जिस्टेंस का इसका क्या मतलब है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो एक एडिशनल कंडीशन है कि लिमिट शुड बी इक्वल टू एफ सी, लेकिन अगर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली लिमिट कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट राइट हैंड साइड वाली लिमिट के बराबर है और दोनों उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो लिमिट तो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती ही है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल है, तो ये तो हमारा
बिल्कुल ऑब्वियस पॉइंट हो गया कि कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स दैट देयर लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए विल आल्सो एग्जिस्ट बट नॉट द अदर वे राउंड. देयर आर केसेस व्हेन लिमिट एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूटी इट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल बट दैट इज नॉट नेसेसरी. Continuity at x is equal to a implies that f is well defined at x is equal to a, but not converse. यहाँ पे well defined का क्या मीनिंग हुआ? Well defined का मतलब हुआ कि at x is equal to a, अगर उसकी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है, तो अगर f a is equal to some finite number, तो कैन वी से कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस? नो, उसके लिए तो एडिशनल कंडीशन है ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ए शुड आल्सो एग्जिस्ट. बट अगर हमारी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है तो इसका क्या मतलब है कि लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज वेल डिफाइंड. सो दिस रिलेशनशिप इज ओके बट नॉट द कन्वर्स. Discontinuity at x is equal to a is meaningful to talk if in the immediate neighborhood of x is equal to a, that is the function has a graph in the immediate neighborhood of function at x is equal to a, not necessarily at x is equal to a. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा जो हमने examples करे थे पहले वाले, तो उसमें हमने देखा कि कई point पर हमारी continuity function जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो उसका मीनिंग तो तभी है ना कि हम डिसकंटिन्यूटी की बात करें कि भाई नेबरहुड में तो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और उसके बगल में नहीं कर रहा है. अगर पूरे ही रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर उस चीज का उतना मीनिंग नहीं रहेगा ना हमारे लिए. अगर मैं ये कहूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन या एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स टेन एक्स, ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है? तो आप अगर वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ सर, ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन एक्स इज इक्वल टू वन पे नहीं है. लेकिन मैं ये कहूँगा कि दिस फंक्शन इज जस्ट कंटिन्यूअस, हमें उसमें कोई क्वालिफायर लगाने की जरूरत नहीं है. वो हमें जरूरत क्यों नहीं है? वी डोंट नीड टू पुट ए क्वालिफायर दैट एफ एक्स इज इक्वल इज कंटिन्यूअस एट एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू वन, बिकॉज हम कंटिन्यूटी की बात केवल डोमेन में ही करते हैं. तो क्या एक्स इज इक्वल टू वन इस फंक्शन की डोमेन में आता है? बिल्कुल नहीं आता. जब डोमेन में ही नहीं आता तो हम उसकी कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे. इसलिए अगर हम कोई भी हमारा रेशनल फंक्शन है तो एफ एक्स इज इक्वल टू पी के एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है हमारा कोई रेशनल फंक्शन, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन ऑल इंटरवल्स. क्योंकि अगर क्यू एक्स कहीं जीरो आता है तो उस पर तो वो फंक्शन ही हमारा वो डोमेन के वो पर्टिकुलर पॉइंट तो डोमेन के ही बाहर चला गया ना. तो इसलिए फंक्शन की कंटिन्यूटी का मतलब होता है फंक्शन की कंटिन्यूटी इन ए डोमेन. ये फाइन पॉइंट्स हैं, इनको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में इसी तरह की छोटी छोटी पॉइंट्स पे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है. वो बहुत लेंथी टिपिकल जेई मेन वाले प्रॉब्लम्स तो दे नहीं सकते क्योंकि दे द पर्पस ऑफ जेई एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम एनडीए. एनडीए में उन्हें आपकी कंप्रिहेंसिव नॉलेज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की को चेक करना है. आईआईटी जेई मेन में डेप्थ ऑफ नॉलेज और उसको करना है. तो वहां पे आपको 3 मिनट देते भी तो है, 2 मिनट्स देते हैं क्वेश्चन के लिए. यहाँ पे तो आपको 1 मिनट 15 सेकंड्स में ही क्वेश्चन करने हैं एंड यहाँ पे 120 क्वेश्चंस करने हैं 150 मिनट्स में. तो दोनों एग्जाम्स का पर्पस डिफरेंट है हमारे. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो क्या हम डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? क्या उस डिसकंटिन्यूटी को हम हटा सकते हैं? क्या वो डिसकंटिन्यूटी हटी नहीं सकती? कि वो डिसकंटिन्यूटी लिमिट की एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से है या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होने की वजह से है?
अगर हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को देखें तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ ए प्लस इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू एफ ए माइनस एंड इट शुड बी इक्वल टू एफ ए। तो अब अगर हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ए नहीं है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसका सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि हमारी एफ ए प्लस और एफ ए माइनस तो एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल भी हैं, लेकिन वो जो है हमारे एफ ए के इक्वल नहीं है। तो ये वाला जो हमारा डिसकंटिन्यूटी है, ये जो फर्स्ट वाली डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कि लिमिट तो एग्जिस्ट हमारी करती है, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए माइनस, यहां तक तो हम ठीक हैं, लेकिन हमारा एफ ए या तो डिफाइंड ही नहीं है, और डिफाइंड है तो वो हमारे एफ ए लिमिट के इक्वल नहीं है। तो अगर हमारा ये जो चीज है उसमें ये तो दोनों ही हमारी रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है। क्यों, कैसे डिफेंड है कि अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी एफ ए प्लस और एफ ए माइनस की वैल्यू निकाल के 7 आती है, तो हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर देना कि एफ ए इज इक्वल टू 7, तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अगर हमारा जो इसमें हमारे अब मिसिंग वाले पॉइंट वाले में दो तरह के केस होते हैं। एक तो हमारा केस है कि एफ ए जो है हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स नॉट डिफाइंड एज सच, तो हम उसको डिफाइन करते हैं। और अगर हमारा एफ ए जो है डिफाइंड तो है, लेकिन उसकी वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं है, तो लिमिट वाले में भी अब हमारे कितने केस हो गए, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी के दो केस हो गए। लिमिट एक हमारा केस हो गया कि जहां पे एफ ए हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो हमारा क्या हो गया कि मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी हो गया। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज द एग्जिस्ट बट एफ ए इज नॉट इवन डिफाइंड, अगर डिफाइंड और अनइक्वल है उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, उस केस में हम इसको कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी। तो जहां पर डिफाइंड ही नहीं है वो हमारा हो गया मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी का। हमारा कौन सा वाला केस हो गया कि हमारा केस हो गया इसमें रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी का, मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी की रिमूव की जा सकती है और वो डिस्कंटिन्यूटी जो है वो मिसिंग पॉइंट की वजह से है। अगर हमारी ये चीज उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फंक्शन डिफाइंड है बट वो उसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है वो डिस्कंटिन्यूटी कहलाएगी, हमारी आइसोलेटेड डिस्कंटिन्यूटी। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लें। तो अगर हमारा ये वाला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन नाइन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये वाला अगर हम एक्स इज इक्वल टू वन पर वो करें, तो एक्स इज इक्वल टू वन पर तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना, तो हमारा इसकी वैल्यू हमारी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है क्योंकि एक्स माइनस वन तो कट गया हमारा, तो एक्स इज इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू 9 माइनस 1 8 आ गई हमारी, तो हमारा फंक्शन इस पर लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारा रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी का केस हो गया। और क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू जो है मिसिंग है। और मिसिंग है तो हमारा कि इसमें अगर हम इसको रिमूव करना है तो क्या करें कि एक्स इज इक्वल टू वन पर हम फंक्शन की वैल्यू आर्टिफिशियली डिफाइन कर दें, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 8, एफ वन इज इक्वल टू 8 एंड व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 देन दिस इज द वैल्यू, तो हमारा काम हो गया। तो ये हमारी रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी हो गई। आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी में हमारा क्या हो गया कि मतलब वो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट तो करती है लेकिन इक्वल नहीं है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये वाला हो गया। थोड़ा सा मैंने अच्छा एग्जाम्पल लिया क्योंकि ये जीआईएफ वाले क्वेश्चंस खूब आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इससे आपका डर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो इसमें क्या है, ब्रैकेट एक्स प्लस माइनस ऑफ ब्रैकेट एक्स
इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज लेस देन, इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आई, दैट इज इफ एक्स इज एन इंटीजर तो इसकी वैल्यू जीरो है, एंड अगर आई नहीं है तो इसकी वैल्यू माइनस वन है. तो अगर हमारी लिमिट्स देखेंगे तो हमारी लिमिट तो माइनस वन, इसकी भी हमारी लिमिट जो वैल्यू आ रही है वो माइनस वन आ रही है. तो लिमिट तो हमारी अगर इंटीजर नहीं है तो से अगर हम थ्री पर इसकी वैल्यू कंसीडर करें तो हमारी ये जो वैल्यू है थ्री पर, तो वैल्यू इसकी एफ थ्री की वैल्यू जीरो हो गई, और एफ थ्री माइनस की वैल्यू हमारी माइनस वन हो गई, और एफ थ्री प्लस की वैल्यू भी हमारी माइनस वन हो गई. तो ये फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है एट एट एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है एंड इज इक्वल टू माइनस वन, लेकिन और उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है थ्री पर, लेकिन ये इक्वल नहीं है. तो इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ कि अगर इस पर मैं कहूँ कि एक्स इज इक्वल टू, इस पर भी इसकी वैल्यू जो है माइनस वन है, तो हमारा काम हो गया. ये हम इसको आर्टिफिशियली डिफाइन कर दें कि एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स इफ एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ वाई, और इस चीज को यहाँ से हटा के हम ये करें कि एंड इफ एक्स इज नॉट एफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ आई, देन इसकी वैल्यू भी माइनस वन है. तो हमने आर्टिफिशियली डिफाइन करके अगर हम किसी को फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकते हैं, तो पहले तो वो हमारी रिमूवेबल कंटिन्यूटी हो गई, और अगर उसमें उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो भाई वो तो पॉइंट मिस हो गया ना, तो मिसिंग पॉइंट हो गया. और आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया कि हमारी वैल्यू जो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तो है, लेकिन उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है कि जो वैल्यू उसकी उस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे अभी एग्जिस्टिंग वे में डिफाइंड है उसको हम दूसरे ढंग से डिफाइन कर दें, तो हमारी वो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी. नेक्स्ट अब हमारा है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होगी हमारी, अगर हम इसको बिल्कुल लॉजिकली सोचें कि भाई एक तो हमारा ये एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ए था, तो अगर हमारा उसके फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, एफ ए एग्जिस्ट नहीं करता है या उसकी वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं है, तो हम तो फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना. लेकिन अगर फंक्शन की लिमिट ही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारी वो डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई, क्योंकि उसको हम डिफाइन करके या किसी भी और मेथड से हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं. तो अब हमारी अगर हम कह रहे हैं कि फंक्शन में हमारी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसका हमारा क्या मतलब हुआ कि हमारी लिमिट्स जो हैं, एक तो हमारा क्या क्या केस हो सकते हैं कि भाई लिमिट्स हमारी इनफाइनाइट है या लिमिट्स हमारी इक्वल नहीं है. तो उस केस में हमारा क्या है कि पहला तो हमने मान लिया कि फाइनाइट टाइप की क्या डिसकंटिन्यूटी हुई जो है इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, कि बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट बट दे आर अनइक्वल, तो हम इसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं भाई, ठीक है ये नहीं है कंटिन्यूस नहीं है. और दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि हमारी लिमिट्स जो है वन ऑफ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट. तो अगर हम ये वाला एफ एक्स करें, तो अगर हम एफ एक्स प्लस पे करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी आ गया, और माइनस पे करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आ गया. तो इसमें हमारी दोनों लिमिट या एक लिमिट हमारी इन्फिनिटी है, तो इस वाले केस में भी हमारी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है. तो एक तो डिसकंटिन्यूस हुआ, ऊपर से ये डिसकंटिन्यूटी हमारी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हुई. तो ये हमारे केस हो गए. फिर एक अब आप सोचोगे ये तो सारे केस कवर हो गए कि इनफाइनाइट भी हो गया, फाइनाइट वाला फाइनाइट एंड इक्वल हो गया, तो बचा क्या. तो फाइनली हमारा केस बचा ऑसिलेटरी लिमिट्स की. अगर हमारी लिमिट जो है वो फाइनाइट तो है लेकिन उसकी वो फिक्स नहीं है, इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन सम वैल्यू. ये हमारा कब कहाँ होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है, अगर हम साइन
अपॉन एक्स या कॉस वन अपॉन एक्स कंसीडर करें, और इनकी जो हमारी लिमिट है उसको हम कंसीडर करें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो ये वाली जो लिमिट है हमारी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, साइन वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, साइन वन अपॉन एक्स की वैल्यू हो गई हमारी साइन वन अपॉन जीरो, दैट इज साइन इंफिनिटी। तो अब हमारी साइन इंफिनिटी की वैल्यू क्या है? इट इज ए फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा इन साइन थीटा इज, इट्स वैल्यू हैज टू बी बिटवीन -1 to 1। बट एज वी इंक्रीज थीटा फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी द वैल्यू कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, सो इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 and 1। तो ये वाली डिसकंटिन्यूटी हमारी ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी हो गई। एंड ये क्वेश्चन पहले भी इस तरह के आ चुके हैं, एंड ये एक ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि इन डेफिनेशन पे किसी भी टाइम क्वेश्चन आ सकता है, इट्स ए क्वेश्चन वेटिंग टू कम। एंड इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से नॉर्मली हम थ्योरी में लेक्चर थ्योरी में न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं, लेकिन क्योंकि 5 डेफिनेशन हो गई तो हम इसको एक को एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल भी इसका ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक दो नए टर्म्स भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो भी हमारे हो जाएंगे। एनडीए के एग्जाम्स में नए नए टर्म्स यूज होते हैं और उसमें आपको ये है कि क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं लेकिन उस टर्म की डेफिनेशन आपको कई बार कंफ्यूज करती है। तो इस क्वेश्चन को करके हमारा किसी भी तरह की डिसकंटिन्यूटी हो, हम उस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x-1। तो पहले तो ये बताएं कि ये कंटिन्यूटी जो है रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 जो है, इसकी अगर हम इस सारे एग्जाम्पल्स में एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही डिस्कस कर रहे हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 जो है क्या वो एग्जिस्ट करती है? इट डजंट एग्जिस्ट। अगर हमारी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती तो ये क्या हो गया? हमारी नॉन रिव्यूएबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। नॉन रिव्यूएबल के साथ ही कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? उसमें हमारी क्या थी कि बोथ फाइनाइट एंड इक्वल अनइक्वल, फाइनाइट एंड अनइक्वल, तो वो वाली डिसकंटिन्यूटी है, या हमारी इनफाइनाइट वाली हो गई कि वन और बोथ ऑफ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट। तो इसमें हमारी बोथ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट, अगर हमारी बोथ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट तो हम उसको क्या बोलते हैं? लिमिट ड्यू टू वर्टिकल असिम्प्टोट। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप हमारा y इज इक्वल टू 1 अपॉन x-1 का ग्राफ देखें तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पैरा हाइपरबोला हो गया विच हैज बीन शिफ्टेड 1 यूनिट टूवर्ड्स द राइट। तो ये हमारा ग्राफ आ गया इसका। नाउ ये जो असिम्प्टोट्स हैं ये इस एज एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, तो इसकी वैल्यू इधर इनफाइनाइट में हमारी जा रही है, और अगर हमारा इधर से शुरू हो रहा है तो हमारी माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है इसकी वैल्यू। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि ये वर्टिकल असिम्प्टोट की वजह से इसमें ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ये हमारा वर्टिकल असिम्प्टोट इस केस में क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू 1। असिम्प्टोट क्या होता है कि वो लाइन होती है जो कि जब वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाती है तो वो लगता है कि इस लाइन से मिल रही है लेकिन मिलती कभी नहीं है। ऐसे ही इसका भी ये जो असिम्प्टोट है एक्स इज इक्वल टू 1, नीचे की डायरेक्शन में देखें तो लग रहा है ये हमारे इस लाइन से मिल रही है लेकिन कभी मिलेगी नहीं। तो ये हमारे असिम्प्टोट भी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लिया। तो अब हमारा ये वाला है कि x³ - x / x²-y, तो x कॉमन ले लिया तो x²-y / x²-1, x²-1 / x²-1 हो गया। तो यहाँ पे एट x=1 क्या हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है? यस एग्जिस्ट करती है। हमारा x²-1 x-1 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारी एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी क्या वैल्यू है?
हमारी 0/0 की फॉर्म आ जाती है, तो हमारा x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट एग्जिस्ट बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारी कौन सी हो गई कि डिसकंटिन्यूटी, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। और रिमूवेबल में हमारी कौन सी होती है कि भाई एक तो वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती है और एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है लेकिन वो इक्वल नहीं है लिमिट के। तो हमारे इस केस में तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो ये हमारी कौन सी वाली हो गई, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गई। अगर ये वैल्यू निकल के आती से समथिंग विच इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लिमिट, तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब ये हमारा जो ग्राफ है, ये फंक्शन है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का है। ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। हमने आपको डेफिनेशन में फंक्शंस की जो डेफिनेशन हमने लिमिट्स में और डिसकंटिन्यूटी में कवर करी है उसमें बताया है कि ये सिग्नम फंक्शन है। इसकी वैल्यू क्या होती है कि जब एक्स ग्रेटर इस वाली ये, और उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया हमने 1 यूनिट टुवर्ड्स द राइट, हमने इसको शिफ्ट कर दिया ग्राफ को, क्योंकि एक्स माइनस वन है तो ओरिजिन हमारा 1 यूनिट शिफ्ट हो गया है। तो इस वाले केस में हमारा जो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है ये कौन सी है, पहले तो ये देख लें कि रिमूवेबल है या इनरिमूवेबल है। अगर हम इसकी लिमिट निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो क्या होगा कि वन माइनस पे जब करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी एक्स माइनस वन की। तो हमारी ये हो गया माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये माइनस वन हो गया। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन तो हमारी वैल्यू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन हो गई, तो वन हो गई। तो इस केस में हमारी एट एक्स इज इक्वल टू 1 जो है ये फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पहले तो हमारी ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। अब नॉन रिमूवेबल में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, ये जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि इसमें वैल्यू जंप मार रही है। लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यू है और राइट साइड में हमारी कुछ और वैल्यू। अगर हम मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ देखें ये वाला, तो हमारा इस वाले में जैसे ये वैल्यू है और ये जंप मार रही है, जो हमारा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन में यही ग्राफ हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि ये यहाँ तक जाएगा ऐसे ऊपर आके और ऐसे जाएगा, लेकिन शेप तो हमारी सेम ही रहेगी ना। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, इसमें हम एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिस्कस करते हैं, उसमें हम एक्स इज इक्वल टू 1 पे कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट तो करती है बट इट इज जंपिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये हमारी जंप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हो गई। नाउ साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, तो ये तो एक तो ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी हो गई और ये हमारी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ये जैसे हर एनडीए के पेपर में 10-20% क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी आते हैं, तो इस तरह इस पॉइंट पर एक ट्रिकी क्वेश्चन आपका आ सकता है विच इज वेरी सिंपल टू डू इफ यू कैन अंडरस्टैंड डेफिनेशंस। इसमें है थोड़ी सी लेकिन इसको आपको समझने की जरूरत है। हमने थ्योरम्स ऑन लिमिट्स भी पढ़ी थी कि जो उनका लिमिट ऑफ सम जो है वो सम ऑफ लिमिट्स के इक्वल होता है, और लिमिट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स के बराबर होता है। तो कंटिन्यूटी वाले में हम कुछ वैल्यू तो निकाल नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट सेइंग कि पॉइंट एट उस पॉइंट पर वे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूअस वैल्यू तो कुछ होता नहीं है, तो हम अगर कंटिन्यूटी को डिस्कस करें तो अगर कोई फंक्शन है हमारा तो उसमें हमारी सारी जो थ्योरम्स जो लिमिट में हमारी लगा करती थी असेंशली वो सारी थ्योरम्स यहाँ पर भी लगेंगी हमारी। तो क्या हो गया कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो हम बस सिंपली कह रहे हैं कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे लिमिट्स में हमने बताया था कि हमें कोई सी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी ढूंढनी है तो हम उसके एक पार्ट की, अगर एफ एक्स जी एक्स टाइप का फंक्शन है तो अगर हमारा एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स कंटिन्यूअस है तो
तो वो उन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल रूल है, और इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो डिवीजन वाला है वो कंटिन्यूअस तभी होगा जब जीए नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जीए इज इक्वल टू जीरो है तो एच ए की वैल्यू ही हमारी कुछ नहीं होगी, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमने थ्योरम्स इसकी एक लाइन में डिस्कस कर ली। हमने लिमिट वाले जब चैप्टर में बता रहे थे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगाया था, अब यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट में बता दिया क्योंकि यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक बिफोर। अब जो थ्योरम हमने पहले आपको बताई थी अभी वो तो ऑब्वियस थी, अब कुछ नॉट सो ऑब्वियस एंड काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन पॉइंट्स पर डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस तब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, या कुछ भी हो सकता है? नो, अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस तो उनका सम या डिफरेंस नेसेसरली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, इज नॉट नेसेसरली डिसकंटिन्यूअस। तो इट मे बी डिसकंटिन्यूअस, इट मे बी कंटिन्यूअस, लेकिन सम और डिफरेंस तो हमारा नेसेसरीली डिसकंटिन्यूअस होगा अगर एक फंक्शन भी हमारा डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेसेसरीली डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इट मे बी कंटिन्यूअस, इट मे बी डिसकंटिन्यूअस, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, और जी एक्स हमारा साइन वन अपॉन एक्स ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी। लेकिन अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो क्या हमारा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? ये ऑसिलेटरी फंक्शन और स्पेशली एक्स साइन वन अपॉन एक्स ये एनडीए एग्जाम में फेवरेट फंक्शन है, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर में 5-6 ईयर्स में ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आ चुका है। तो इसकी जगह हम जब लिमिट निकालते हैं तो एक्स साइन वन अपॉन एक्स की, तो ये तो समवेयर बिटवीन -1 to 1 हो गया और ये हमारा 0 हो गया, तो 0 वैल्यू आ गई ना हमारी इसकी। तो ये इसकी ये फंक्शन जो है हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो गया। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि साइन वन अपॉन या इसको इसी तरह से देखते हैं, उसमें आप और कंफ्यूज होंगे, अभी तो नहीं बताता हूँ। तो एक्स साइन वन अपॉन एक्स की जो लिमिट है वो हमारी एग्जिस्ट करती है एंड इट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इफ बोथ द फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस कैन वी से एनीथिंग अबाउट द कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट? नो, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिसकंटिन्यूटी। इट मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अगर हम ये लिख लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू -gx है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 पे 1 है, जी एक्स की क्या वैल्यू है, और 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या एक्स लेस देन 0 पर -1 है इसकी वैल्यू, तो एफ एक्स जी एक्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, माइनस हमारा 1 आ गया फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर विच इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब हमारा बट ये तो कंटिन्यूअस हो गया और ये दोनों फंक्शंस जो है हमारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गए। तो प्रोडक्ट के बारे में हम अगर दोनों कंटिन्यूअस हैं तो प्रोडक्ट हमारा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर एक या दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द और डिसकंटिन्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझ कर लीजिए। नॉर्मली मैं ये नहीं कहता मेमोराइज कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो इसको मेमोराइज करने की भी जरूरत है। थैंक यू।